राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष दुर्गविजय की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गविजय ने बताया कि पुराने पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने, समान वेतन, कैशलेस इलाज के नियमावलियों, आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा दिए जाने को लेकर कर्मचारी काफी समय से आंदोलित हैं। बैठक के माध्यम से सरकार से मांग है कि सभी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो 27 नवंबर को एक मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। इसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बैठक में उमेश पांडे, सोन बाला सोनकर, शेष कुमार, दीपा धर्मराज, सरोज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गविजय ने कहा, दिसंबर से हड़ताल के लिए आप सभी तैयार हैं। इस संबंध में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सके, मेरा मैदान चिकित्सालय का है, इसके बारे में भी आप सभी लोगों के विचार आमंत्रित करना चाहता हूँ। यह स्पष्ट है कि यहाँ चाहे किसी भी कारण से अपन निदेशक महोदय द्वारा एक ऐसे अधिकारी को चार्ज दे दिया गया जो सर्वथा इसके योग्य, जब उनका इंक्रीमेंट बैंक था या जो भी कारण हो, जिले में और भी वरिष्ठ अधिकारी से उनको ये चार्ज किया जा रहा है। पूर्व में भी इनका कार्यकाल विभागों से ग्रस्त रहा है, तो ये आपको विचार करना पड़ेगा कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए और कर्मचारियों के हित में क्या रहेगा उसके हिसाब से। सदस्यों से अनुरोध है जो भी हमारे वर्तमान पॉइंट बात करेंगे, जो भी फैक्ट्री हो रहा है और जो भी जाना भी होगा, मैं यह अनुरोध करूँगा कि जो भी बोले इससे जो हमारा दुर्गविजय जिला अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। आज ये बैठक राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में जनपद गोरखपुर महिला अस्पताल में की जा रही है। चूँकि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षक और कर्मचारी मोर्चे के तहत 27 नवंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, उसी के क्रम में आज ये बैठक की जा रही है कि उस रणनीति को कैसे सफल बनाया जाए। और यहाँ पर कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जो अधिकारियों के द्वारा या प्रशासक के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। चूँकि अभी बारी बारी से सारे मुद्दे आ रहे हैं, अभी उसको लास्ट में प्रकाशित किया जाएगा। जिन भी समस्या, जिस भी तरीके की समस्या होगी, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद हमेशा तत्परता से उस चीज़ को निदान करने का काम, हर संभव कर्मचारियों के साथ रहने का काम करेगा। और 27 नवंबर को होने वाले मशाल जुलूस को चढ़ बढ़ करके सभी कर्मचारियों से हिस्सा लेने के लिए आज उसी के क्रम में निवेदन करने के लिए आज प्रथम बार जिला महिला अस्पताल में आज बैठक चल रही है। और बाकी जैसी रणनीति होगी आगे बैठक करके बताते चलेंगे।